दोस्तों, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग आ गए, आपका इंतजार था और भरे दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, कुछ अलग करने वाले हैं। तो आज मैं जब कॉलेज किया तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि तेरी वीडियो क्वालिटी बहुत कम होती है। तो फिर मैं सोच में पड़ गया कि यार, मेरी वीडियो क्वालिटी कम हाँ होती है, बट क्यों होती है? मैं 900 सब्सक्राइबर लेके घूम रहा हूँ, फैक्स नहीं मार रहा, बट क्यों होती है? क्या आपने कभी ये चीज सोचा? एंड या अब भाई, मैं 2 साल से एडिटिंग कर रहा हूँ, तो कभी आपने ये सोचा कि 2 साल से एडिटर कर रहा है तो वीडियो 4K में क्यों नहीं बना पाता, 2K में क्यों नहीं बना पाता? तो उसका सिंपल सा आंसर बहुतों को पता होगा, मोबाइल पे ये सब फीचर्स नहीं है। बट तो भाई, हमने तो सिखाया है कैसे आप अपने मोबाइल पे 4K एडिट कर सकते हैं। हमने सिखाया है तुम क्यों वीडियो बना रहे हैं? अबे लेकिन सुन तो। ओह शिट, हियर वी गो अगेन। सो यस, उसकी बात तो सही है। YouTube पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि आप अपने Android मोबाइल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो किसी नॉर्मल वीडियो को 4K वीडियो में। तो लेट्स सी, आज हम भी चेक करते हैं और निकालते हैं इनका राज। तो इसके लिए मैंने सिंपली अपना टैबलेट लिया, ठीक है, मैंने इसमें कैपकट एंड अपना VPN डाउनलोड शेयर करा भी अपने फ़ोन से, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड इस पर भी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा एंड साउंड उस पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो बढ़िया है। तो सिंपली पहले तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से एक नॉर्मल वीडियो उठा दूँगा एनिमे का। तो सबसे पहले हम जाएंगे, ऑब्वियसली सर्च मारेंगे यूट्यूब पे, वीडियो ऑन कैपकट, राइट? ऑब्वियसली हर कोई कैपकट ही पे जाता है। तो यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन, तो हम सबसे पहले सबसे ऊपर वाले पे ही क्लिक करेंगे, देखेंगे ये क्या। ओके, तो बिफोर एंड वांट दिस आफ्टर, ओके, तो ठीक है, सिलेक्ट क्लिप को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद ओके। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको ग्राफ में जाना है एंड वाइट वाले उसको पूरा अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है, ठीक है, एंड चारों को करना होगा ऑब्वियसली। उसके बाद ब्लर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड देन हमको अपने वीडियो को ब्लर कर देना है एंड उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है, वाली वीडियो को लेना है एंड देन उसका फॉर्मेट पूरा इक्वल कर देना है। देन उसके बाद जाना है बर्न वाले उस पर, तो बर्न करना है, ठीक है, एंड इसके उसको कर देना है हमको अराउंड 24, ठीक है, देन इसको इसका फिर सेम लेना है क्या? अच्छा, एक वाइट ओवर ले लेना है, ओके, एंड उसके बाद ओके, टैप ऑन स्प्लेस एंड ओवरले कर देना है एंड हियर वी गो, 85 कर देना है। तो ये बनी 4K कन्वर्ट हो गई और अच्छा लग रहा है भाई देख के। तो देन उसके बाद ब्राइटनेस और सॉल्यूशन थोड़ा बढ़ा देना है, एडजस्टमेंट सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस, ठीक है, एंड देन एक्सपोर्ट कर देना है और ये आपकी वीडियो बन के तैयार, ओके, ठीक है, समझ गया। उसके बाद हम देखते हैं कोई दूसरी वीडियो, तो सेकंड नंबर की वीडियो देखते हैं। इस पर 19 लाख व्यूज है भाई, इसमें क्या करना है? एडजस्टमेंट में जाना है, ग्राफ में जाना है, ग्राफ का सीन करना है सेम टू सेम, उसके बाद एक्सपोर्ट 180p पे करना है, नाउ रीसेट द एडिट एंड ओवरले, ठीक है, फिर बर्न करना है, फिर वाइट पेपर लेना है एंड देन आपका
फॉरगेमेंट हो गया। ठीक है, ये भी यही कह रहा है। लेट्स गो, हम फैंस डे एडम की वीडियो को देखते हैं। एवरीवन वेलकम बैक, सॉरी, ओके, ये ऐसा से ऐसा कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ओके, तो ग्राफ में जाना है, वही सेम सीन। ठीक है, देन कौन से पे ब्लर, ऐसी बन गई वीडियो। ओके, सो लगभग लगभग जितने भी मैंने वीडियोस देखे उसमें हमको कैपकट के थ्रू तो यही एक बता रहा है कि आप ये कर, मतलब वही सेम सिचुएशन, तो लेट्स ट्राई। अब हम भी करते हैं यही सेम चीज़, तो देखते हैं क्या होगा। सो सिंपली मैं पहले तो अपना टर्बो वीपीएन ऑन कर देता हूँ। चल भाग रेबिट। ओके, कन ठीक है, पता है मेरे को मच्छी का। ओके, सो पहले तो ये वीडियो किसी और का है, तो ये वीडियो मेरी नहीं है, पहले ही बता दूं। तो आप पहले इसमें, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्लिप है। अब हम देखते हैं कि हम इसको बोलते हैं, कर पाते हैं, नहीं कर पाते। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था, हमको सबसे पहले जाना है एडजस्टमेंट ऑप्शन पे, मैंने उसका हमको जाना है ग्राफ पे। ग्राफ में जाने का येलो वाले को पूरा ऊपर कर देना, ठीक है, एंड ब्लो मतलब उसको उस साइड नीचे कर देना, रेड को ऊपर एंड नीचे, ऊपर एंड नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, कर दिया, तो हो गया। एंड देन उसके बाद उसका एडजस्टमेंट ठीक है लग गया। उसके बाद हमको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, देन जाना है वीडियो इफेक्ट पे, एंड हम जाएंगे लेंस वाले ऑप्शन पे, लेंस वाले पर, और हमको यहाँ नीचे मिल जाएगा। ओके, तो ब्लर भी मिल गया, देन उस ब्लर को पूरा वीडियो में अप्लाई कर देंगे, राइट। ओके, सो उसकी एडजस्टमेंट को थोड़ा कम कर देते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो ये एक्सपोर्ट हो गया है, तो हम इसको डन कर देते हैं। डन, उसके बाद हम वही सेम प्रोजेक्ट पे जाते हैं, और तो क्या मैं गलत था? बाकी यूट्यूबर सही में ऐसा ही कहते हैं क्या कि वो ओरिजिनल मटेरियल को 4K में कन्वर्ट कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसका मैं सिंपल एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेन वीडियो होती है हमारी, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी, क्लैरिटी, वो सब जो मेंटेनेंस है, ठीक है, जब हम उसको उस सेटिंग के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब वो वीडियो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो उस वीडियो को 4K में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। बेसिकली वो उस वीडियो को, उसकी लाइटनिंग को और उसकी क्लैरिटी को इन्हेंस कर देता है। और ये 4K से अलग क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मैं गलत लग रहा हूँ तो आप अपनी कोई पुरानी वीडियो उठा देना जिसकी क्वालिटी कट्टी है, उस वीडियो को ये सेटिंग से कन्वर्ट करके देखना। तो अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल वाले बेल आइकन को बजा देना, कमेंट करना कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या मैं सुधार सकता हूँ।
और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या मतलब इस वीडियो में कोई कंटेंट नहीं था? कौन बोल रहा है? भेड़िया बैठ कर ग्रीन निकाल के बैठ।